आज श्रावण शुक्ल चतुर्थी गुरुवार 8 अगस्त 2024 है। सिजिकी नगरी का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, यदा कदा हल्की बारिश हो रही है। जय श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं। कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रभु श्री जी में ऊर्ध्व भुजा प्राकट्य उत्सव है। लौकिक में इसे नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाइयां। पुष्टि मार्ग में यह दिवस अति महत्वपूर्ण है। आप अपने ठाकुर जी की सेवा समय पर पहुंच सकें, इस भावना से प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत ऊर्ध्व भुजा प्राकट्य दिवस की प्रभु श्री जी में भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन रखे हैं। हालांकि प्रभु के विस्तृत दर्शन हम कल की प्रस्तुति में भी करेंगे। ऊर्ध्व भुजा प्राकट्य दिवस की भावना के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि में हो रहे मनमोहक एवं सुंदर हिंडोलना के मनोरथों के दर्शन करना कदापि न भूलें। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह विगत कल के हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित कमल चौक से हैं, जहां कल प्रभु श्री मदन मोहन जी एवं बालकृष्ण लाल जी ने हिंडोलना में विराजित होकर दर्शनार्थी वैष्णवों पर आनंद वर्षा की थी। और जो दर्शन अब आप कर रहे हैं यह प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर के बाहर स्थित चबूतरे से हैं, जहां प्रभु श्री लाड़िले लाल लालन ने कल कांच के हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा की थी। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी उमड़े थे। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रावण मास की प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज प्रभु को नियम के श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके तहत श्री मनमथ मोदा जी के भाव से दोहरा मल्लकाच्छ टीपारा का श्रृंगार धराया गया है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आवरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिछिया धारण की हैं। अब जो
नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मल्लकाच के भाव की, गिरिराज धारण की, चित्राम की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक ओर प्रभु श्री कृष्ण एवं दूसरी ओर श्री बलराम जी मल्लकाच टिपारा का साज धराए हुए हैं। उनके साथ में ब्रजवासी सखागण एवं गौ माताएँ भी दृश्यमान हो रही हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्नजड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जहाँ गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष दो स्वर्ण के एवं एक रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और रजत के पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल जल भर के पधराया हुआ है। दो गुलाब दानियां गादी पर और सन्मुख में त्रष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को दोहरा मल्लकाच्छ एवं पटका का साज धराया गया है। इनमें प्रभु को लाल एवं पीली चुंदड़ी का मल्ल अर्थात पहलवान जैसा कच्छ पहनते हैं वैसा कच्छ धराया गया है। दो पटका धराए गए हैं, जिनमें से एक पटका लाल एवं पीली चुंदड़ी का तथा दूसरा पटका श्याम एवं सफ़ेद चुंदड़ी का धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पिटिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ान के एवं अन्य श्रृंगार भारी धराए गए हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण एवं विविध रत्नों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। आज प्रभु को विशेष रूप से श्री कंठ में एक कमल माला धराई गई है। आज प्रभु को चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें प्रभु को आज लाल एवं पीली चुंदड़ी का किनारी से सुसज्जित टिपारा धराया गया है। टिपारा के ऊपर मध्य की शिखा अर्थात मोतियों तथा रत्नों से सिद्ध बीच की चंद्रिका धराई गई है, जिसके दोनों तरफ मोतियों तथा रत्नों से ही सिद्ध दोहरा कतरा धराए गए हैं। बाईं ओर आभरण से मिलवा शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो
प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा, अर्थात स्वर्ण से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल, पीले, सफेद, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त में सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ लाल मीना की वेणु जी धराई हैं। कटी पर एक लाल मीना के और एक स्वर्ण के दो वेत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, उसमें पट लाल रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी की बाघ बकरी वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उसका अवलोकन करें तो मंगला में लाल और लगन बाह जोटी, राजभोग में पावस नट नट्यो अखारो, हिंडोरा के पदों में गोकुल चंद हिंडोरे, थेई थेई नृत करत झूलत है ब्रजनाथ, झूलत हैं गिरवर धारी हिंडोरे, शयन में ब्रज के आंगन में मचो हिंडोरे, मान के पद में यह ऋतु रूसवे की नाही, पोड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़िले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज फूल पत्ती के हिंडोलना के दर्शन होंगे। वहीं कल के हिंडोलना में प्रभु श्रीनाथ जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में श्याम मोतियों के हिंडोलना के दर्शन होंगे, जिनमें श्री मदन मोहन जी एवं श्री लाड़िले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए अब श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 21 अगस्त 2023 अर्थात प्रभु श्री जी के ऊर्ध्व भुजा दर्शन उत्सव की भावना और प्रभु के दर्शन करते हैं। पंचमी की प्रस्तुति की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। नीलांबर पहर तन गो आज का दिवस भूमंडल पर प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रथम प्राकट्य का अति महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे नागदमन स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है।
हमारे ग्रंथों के अनुसार महर्षि गर्गाचार्य जी ने हजारों वर्ष पूर्व रचित गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के बारे में लिखा था कि कलयुग में श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होंगे। उनकी कथनानुसार भगवान कृष्ण ने जिस स्वरूप में गिरिराज पर्वत उठाया था वह स्वरूप वर्तमान में ब्रज में गुप्त रूप से विराजित है। कलयुग के 4500 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्रीहरि का स्वयं सिद्ध स्वरूप व्रज में श्री गिरिराज जी की कंदरा में स्वतः प्रकट होगा एवं इस स्वरूप को व्यक्ति देव दमन कहकर पुकारेंगे। महर्षि गर्गाचार्य जी की वाणी के अनुसार ही विक्रम संवत 1466 को श्री गोवर्धन नाथ का नाग दमन स्वरूप प्राकट्य श्री गिरिराज पर्वत, जिसे हम गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रजवासियों को वहां वामभुजा के दर्शन हुए, जिसे स्वयं प्रभु ने श्री वल्लभ को अपने तीन स्वरूपों नाग दमन, देव दमन एवं इंद्र दमन के बारे में प्रकट किया था। प्रभु श्री जी की प्राकट्य वार्ता एवं अन्य ग्रंथों के अनुसार विक्रम संवत 1466 की श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे लौकिक में नाग पंचमी भी कहते हैं, के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी गाय को खोजने श्री गिरिराज पर्वत पर गया, जिसका दूध स्वतः ही झर जाता था, तब उसे श्री गोवर्धन नाथ जी की ऊपर उठी हुई वामभुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वामभुजा के दर्शन करवाए, तब ब्रजवासियों ने उनकी वामभुजा का पूजन किया। इसके बाद लगभग 87 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते रहते थे। विक्रम संवत 1535 की चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रभु के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ। ठीक इसी समय श्री वल्लभाचार्य जी का भी चंपारण में प्राकट्य हुआ। प्रभु के मुखावतार श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1549 में प्रभु को श्री गिरिराज जी की कंदरा से बाहर पधराया एवं प्रभु की आज्ञा अनुसार सेवा क्रम प्रारंभ किया। तब तक ब्रजवासी ही प्रभु की सेवा करते थे, दूध दही एवं मक्खन आदि का भोग धरकर लाड़ लड़ाते थे। इसी भाव के साथ आज का उत्सव श्री गिरिराज जी के भाव से प्रभु श्रीनाथ जी में मनाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दही की पाटिया के लड्डू एवं पाटिया की खीर अरोगाई जाती है। सेव की खीर आज के अतिरिक्त केवल कुंडवारा मनोरथ में अथवा अन्नकूट उत्सव पर ही अरोगाई जाती है। श्री जी की साज सेवा में आज श्री गिरिराज जी के एक ओर आन्योर ग्राम एवं दूसरी ओर जतिपुरा ग्राम, दोनों ग्रामों से ब्रजवासी श्री जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली रहती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज कोयली रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। चरण चौकी, पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चांदी के पड़गा के ऊपर माटी के कुंजे में शीतल सुगंधित जल भरा होता है। दो गुलाबदानियां गुलाब जल भरकर तकिया के पास रखी जाती हैं। सम्मुख में धरती पर त्रिष्टि धरे जाते हैं। श्रृंगार आवरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का घुटने तक का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आवरण मोती व सोने के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर कोयली रंग की सुनहरी बाहर की खिड़की वाली छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेंच, सुनहरी लूम, तुर्री, डाक का जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में चार कर्ण फूल धराए जाते हैं। पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो मालाजी धराई जाती हैं। श्रीकंठ में कली की मालाजी भी धराई जाती हैं। बद्धी धराई जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, श्याम मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिछियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, कोयली व गोटी चांदी की आती है। अनोसर में श्रीमस्तक पर धराई पाक के ऊपर की सुनहरी खिड़की बड़ी करके धराई जाती है। संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में श्याम मोती के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र व श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी आज श्याम मोती के हिंडोलने में ही विराजित होकर झूलते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में बोले माई गोवर्धन पर मुरवा, राजभोग में देखो अद्भुत अवगत की गत, हिंडोरे में झूलत है राधा सुंदर,
झूलत लाल गोवर्धन धारी, ग्रह ग्रह ते आई ब्रज सुंदर, झूलत रंग हिंडोरे सुंदर, शयन में मायरी झूलत रंग हिंडोरे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है, तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Thank you.
में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।